नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के ऑडियो प्रोडक्शन के कोर्स के साथ मैं हूं अली खान करीम। आज के इस लेसन में हम गोल्ड वेव में फाइल रिकॉर्ड करना सीखेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। Windows app desktop GG gold wave enter gold wave there is no open file। गोल्ड वेव को हमने ओपन किया और इसने कहा कि देयर इज नो ओपन फाइल। तो फाइल रिकॉर्ड करने के लिए, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो सबसे पहला हमें काम करना है वो ये है कि हमें नई फाइल लेनी है। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एन फॉर न्यू फाइल। न्यू साउंड डायलॉग क्वालिटी एंड ड्यूरेशन नंबर ऑफ चैनल्स कोलन कॉम्बो बॉक्स टू लेफ्ट पेरेंट स्टीरियो राइट पेरेंट टू चेंज द सिलेक्शन यूज्ड। तो हमें इसने बताया कि जी क्वालिटी और ड्यूरेशन फाइल की क्या होगी। सबसे पहले इसने मुझे बताया कि जो चैनल्स हैं वो दो हैं, स्टीरियो है, इसको हम चैनल वन भी कर सकते हैं जो कि मोनो साउंड होता है। एक दफ़ा ट्राई करके देखते हैं। One left parent, mono right parent, one. तो इससे क्या होगा कि हमारी साउंड मोनो हो जाएगी और चैनल भी एक होगा। आगे चलते हैं। Quality and duration, sampling rate, colon, edit combo, 44100, to set the value, use the arrow keys. तो उसके बाद सैम्पलिंग रेट है, आगे बढ़ते हैं। Quality and duration, initial file length left parent HH colon MM colon SS dot T right parent colon edit combo 0 to set the value. So ये फाइल की ड्यूरेशन है, यानी कि आप फाइल कितनी ड्यूरेशन के लिए लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 0 लिखा है और आपको याद होगा कि हम जब सेटिंग्स कर रहे थे तो हमने वहाँ पे अनबाउंडेड फाइल सेलेक्ट की थी। अगर हम यहाँ पे 1 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं या 10 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो फाइल 10 मिनट खाली जाएगी, जबकि अगर हम अपनी सेटिंग से बाउंडेड सेलेक्ट करते तो टोटल फाइल की ड्यूरेशन सिर्फ 10 मिनट होती और उसके बाद वो ओवरलैपिंग शुरू हो जाती। सो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। Enter gold wave. There is no open file. Multiple document interface client window. The open file is untitled one. So इसने बताया कि the open file is untitled one. So हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे और रिकॉर्डिंग की जो कमांड है वो क्या है, वो है कंट्रोल F9। जब हम कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए प्रेस करते हैं। Start recording. ये रिकॉर्डिंग नई सुबह के DLP प्रोग्राम के लिए की जा रही है। Pause recording. कंट्रोल F7 मैंने प्रेस किया और रिकॉर्डिंग यहाँ पे पॉज हो गई, जबकि रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करने का तरीका भी कंट्रोल F7 है। और मैं अब अगला जुमला यहाँ पे बोलना चाहूँगा। Resume recording. मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर अली खान तरीन। Pause recording. अगेन हमने कंट्रोल F7 प्रेस किया और रिकॉर्डिंग पॉज हो गई और अब हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके प्लेबैक करेंगे। स्टॉप करने के लिए कंट्रोल F8. Stop recording. और ये रिकॉर्डिंग अब हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम प्रेस करेंगे F4 कि जो हमने पार्ट्स में रिकॉर्डिंग की, यानी कि रिज्यूम कर करके वो कैसे हुई है। हम प्रेस करेंगे F4. Play 3 button. ये रिकॉर्डिंग नई सुबह के DLP प्रोग्राम के लिए की जा रही है। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर अली खान तरीन। ये रिकॉर्डिंग नई सुबह के DLP प्रोग्राम के लिए की जा रही है। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर अली खान तरीन। Pause playback. तो आपने देखा कि हमने दो पार्ट्स में रिकॉर्डिंग को स्टॉप किए बगैर या एक ही फाइल में रुक रुक के रिकॉर्डिंग की। इसी तरह अगर हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। सेव साउंड एज़ डायलॉग फाइल नेम कोलन एडिट कॉम्बो अनटाइटल्ड 1 टू सेट द वैल्यू यूज्ड। यहां पे हम फाइल को टाइटल देंगे one, blank.
dlp.testing. इसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे. Save as type colon combo box wave left parent star dot wav right parent. अब ये हमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स दे रहा है कि किस फॉर्मेट में हम फाइल को सेव करना चाहते हैं. मजीद फॉर्मेट्स को एक्सप्लोर करते हैं. Wave left parent star dot wav right parent 1/17 mpeg audio left parent star dot mp3 right parent extended audio left parent star dot zac right parent apple left parent star dot af right parent apple dash c left parent star dot af right parent omega left parent star dot if right parent sun left parent star dot o right parent 7 of sound blaster left parent star dot vac right raw left parent star dot snd right parent. So ye wo formats hain jin formats mein goldwave hame option deta hai, to hum is file ko mp3 mein save kar lete hain. Wave mpeg audio left parent. Uske baad file ki location set karte hain. File name folder selected. A Ali to enter folder view list view. यहाँ पे अली के फोल्डर में आए और टैप टैप करके सेव कर लेंगे. Name dia save save button to activate press space bar alt plus s. सेव बटन पे एंटर करेंगे या स्पेस बार. Enter edit I 0% gold wave the open file is dlp testing.mp3. और ये इस तरह हमारी फाइल सेव हो गई. So, इसी के साथ हमारा आज का लेसन अपने अख्तिताम पे पहुंचा. इस लेसन में हमने सीखा कि गोल्ड वेव में फाइल कैसे रिकॉर्ड करते हैं और साथ में हमने फाइल सेव करना भी सीखा. अगले लेसन के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया. अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए.